हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे घर पे डिजाइन केक। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रिंकी मिश्रा किचन। आज हम बनाएंगे बिस्किट का केक। आइए देखिए कैसे बनेगा। देखिए, हमने बिस्किट निकाल लिया है, अब इसको हम तोड़ लेंगे। देखिए, हमने बिस्किट तोड़ लिया है, अब इसको हम मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। अब इसको हम पीस लेंगे। देखिए, हमारा बिस्किट पीस कर हो गया है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब हम बैटर रेडी करेंगे। इसमें हम एक कप दूध डालेंगे। अब इसको हम मिक्स करेंगे इस तरह। अब हमने बेकिंग पाउडर मिक्स करेंगे। अब इसमें हम एक पैकेट इनो मिक्स करेंगे। एक बर्तन में हम बटर लगा लेंगे इस तरह। देखिए, हमने बटर पेपर बनाया है पेपर का। अब इसको हम इसमें रख देंगे। अब इसके ऊपर हम बटर लगाएंगे। हमने जो बैटर रेडी किया है अब इसमें डाल देंगे। आज हम अलग तरीके से केक बनाएंगे। हमने कढ़ाई में नमक गर्म कर लिया है। देखिए, हमारा नमक गर्म हो गया। अब इस पे हम रख देंगे। हमें मीडियम आंच पर इसको पकाना है ढककर 30 मिनट तक। देखिए, हमारा केक रेडी हो रहा है। तब तक हम कुछ डिजाइन बना लेंगे पिसे हुए बिस्किट से। हमने एक पैकेट बिस्किट पीस लिया है। अब इसका हम डो बनाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल के डो बनाएंगे। देखिए, हमारा डो रेडी हो गया है। देखिए, हमारा केक रेडी हो गया है। अब गैस को हम ऑफ कर देंगे। देखिए, रेडी हो गया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। अब इस तरह से हम हाथ में लेके बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स बनाने के बाद हम इसको ऐसे इस तरह दबा लेंगे। देखिए, हमने इस तरह से इसको बना लिया है। अब हम इस तरह इसको रखेंगे। अब इसको हम धीरे धीरे फोल्ड बनाएंगे। फोल्ड करेंगे इसको। देखिए, हमने इस तरह इसको फोल्ड कर लिया है। बीच से हम इस तरह इसको काटेंगे। देखिए कितना अच्छा हमारा रोज बना है। देखिए, हमारा केक ठंडा हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब इस तरह से हम प्लेट इस पे रख देंगे। अब इसको हम पलट लेंगे। देखिए, हमने पलट लिया है। अब इस बटर पेपर हम निकाल देंगे इस तरह। अब इस पे हम चॉकलेट सिरप डालेंगे। इस तरह से इसको हम सजा देंगे। हमने जो रोज बनाया है अब उससे सजाएंगे इसको। देखिए, हमने सजा लिया है रोज से। देखिए, हमारा केक कितना अच्छा रेडी हुआ। हमने कितने अच्छे से इसको सजा लिया है। आप भी अपने घर पर बना के ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।